चलिए, यूपीएससी का मेंस का ऑप्शनल का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो नए स्टूडेंट हैं, बिगनर हैं, तो क्या ये सब्जेक्ट उनके लिए परफेक्ट रहेगा? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक छोटा सा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका सिलेबस बहुत ही कम है, सबसे जो आसान सिलेबस है इसी ऑप्शनल का है, ठीक है। आपका पेपर वन और पेपर टू, ये इसलिए की है क्योंकि आपको ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इसमें सब मिक्स होती है। अगर आपकी एथिक्स अच्छी है तो इसमें वही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पॉलिटी के तो इसमें पेपर टू पॉलिटी का ही है, गवर्नेंस वही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो जो भी सोच रहे हैं कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखूँ, तो ये उनको इस वीडियो का एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि वो सही सोच रहे हैं। इस बार जो पेपर आया है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप इसको जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तक मैंने देखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सबसे आसान पेपर आया है इस बार, ठीक है। अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो उसमें, अगर इसमें कोई भी ऐसे बहुत ही कम दो या तीन ही स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी सब जनरल क्वेश्चन है। अगर इसको पढ़ के देखा जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होराइजन हैव बीन एक्सपेंडिंग टू केटर द कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द सिटीजन इन द ग्लोबलाइजेशन एरा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका होराइजन जो है एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन में देखो, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं, है ना। काफ़ी कुछ, जैसे कि जो भी एक्टिविटीज़ पहले हम लोग करते थे वो हम अपने नेशन कंट्री में करते थे, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो हमारा कम्युनिकेशन बाहर के देशों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, अच्छी सर्विसेज देना, अच्छे प्रोडक्ट बनाना, है ना, और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करना, है ना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, तो ये एक जनरल आंसर है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो उसको जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन बात की जाए, तो एफिशिएंसी इन द स्पेशलाइज्ड सेंस इज एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी टू ऑफर इफेक्टिव इंड्यूसमेंट इन सफिशियंट क्वांटिटी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। देखिए, ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी एक जनरल ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा कोई स्पेशलाइज क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इज लार्जली टेक्निक ऑफ नैरोइंग चॉइसेस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अगर आपकी सही है तो आपकी चॉइसेस बिल्कुल उतनी ही लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। बस टेक्निक यहाँ पर पूछी गई डिसीजन मेकिंग की, तो यहाँ पर आपको हर्बर्ट साइमन को कोट कर देना है, ठीक है, और आपको डिसीजन मेकिंग का रेलिवेंट बताना है कि एक ब्यूरोक्रेट है तो वो किस तरीके से सही डिसीजन लेता है, तो उसका टेक्निक लगाता है डिसीजन की, तो उसकी चॉइसेस नैरो हो जाती हैं, ठीक है, उससे इफेक्टिविटी आती है। तो वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ये एक पॉलिटी का है। देखिए, द जुडिशरी इज़ प्लेइंग अ मोर पॉजिटिव रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नॉट जस्ट इन लिमिटिंग गवर्नमेंट एक्शन बट ऑल्सो इन मैंडेटिंग देम कमेंट। देखिए, ये जुडिशरी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी और गवर्नेंस का आपका आता है जीएस पेपर में। तो आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट नहीं भी आप इसको स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको जनरली तरीके से लिख सकते हैं कि जुडिशरी का क्या है, रोल है, पॉजिटिव रोल है फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी में, ठीक है, गवर्नमेंट को लिमिटेड करने में, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। और सिटीजन चार्टर के बारे में पूछा गया है, एम्पावर करता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए, इसमें ये फॉलेट फैमिली वाला आ गया, एडवोकेटिंग फॉर कल्टीवेटिंग इंटरडिपेंडेंस एंड कोलेबरेशन अमंग इंडिविजुअल एज द की टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्टेब्लिशिंग मोर हार्मोनियस एंड ऑल इनकम्पासिंग सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, ये एमपी फॉलेट का आया है, तो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है 20 नंबर का, ठीक है, जो कि अच्छे से तैयार किया जा सकता है। मीनोबुरुक का आ गया है, अब इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैव बीन जस्टिफाइड इन वेरियस वे ओवर टाइम दैट सीक टू प्राइवेटाइज पब्लिक सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट एथिक्स, डू यू एग्री? देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपका ओवरलैपिंग है पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, ठीक है। आपका ये पढ़ते हैं तो भी अच्छा हो जाएगा, अगर पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स आपकी अच्छी है तो आपका ये पेपर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इसके स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप सारे देखें तो एक जर्नल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ही थिंकर इस बार आए हुए हैं, और पेपर अगर जो तैयार कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा इस बार, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से, तो सबसे छोटा सिलेबस इसी का ही है, ठीक है। और इसमें एक जर्नल क्वेश्चन आते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, है ना, और कुछ थिंकर आते हैं वो भी रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शनल है आपका। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, ये भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो छोटा सिलेबस है, अगर आप एक नए बिगनर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको एक बार पढ़ के देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके देखिए। इसकी बुक आती है मार्केट में प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन वगैरह, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बार काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार, ठीक है, और जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर वन में भी, पेपर टू में। आप अगर देख पा रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सिलेबस में दिया हुआ है, ये सब कुछ सिलेबस में ही दिया हुआ है, और रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं 10 साल के, तो आपका और भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और बस यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।